नमस्ते गुरुदेव, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से डॉक्टर गुंजलता शाह। मैं योगा और मेडिटेशन सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, अभी शुरुआत है, और उसमें बाधा ऐसे पहुँचती है कि लोग समझते हैं योगा और मेडिटेशन सम्यक दर्शन में बाधक है। जो लोग बहुत उपवास व्रत करते हैं, अगर वो तकलीफ में आते हैं तो उनसे कहा जाता है आप योगा कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए या प्राणायाम कर लीजिए, तो वो कहते हैं कि समय का दुरुपयोग है। और कुछ साधु भी इसका विरोध कर देते हैं, अनावश्यक है बता देते हैं। तो आप लोगों की ये मनोधारणा बदले कि सम्यक दर्शन में ये बाधक है कि सहायक है, इसको बताएं। उनसे पूछो कि बीमार होने पर डॉक्टर से इलाज कराना सम्यक दर्शन में बाधक तो नहीं है? अस्पताल में भर्ती होना क्या सम्यक दर्शन में बाधक है? नहीं। दवाइयाँ खाना क्या सम्यक दर्शन में बाधक है? कतई नहीं। तो जैसे आप अपनी चिकित्सा कराते हैं वैसे ही ये भी एक चिकित्सा, और चिकित्सा नहीं, ये तो एक साधना है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि तन को साधने के लिए की गई साधना कर्म की निद्रा नहीं करेगी। मान लिया कर्म की निद्रा भले नहीं करे पर पाप का बंध भी नहीं करेगी। एक बात ध्यान रखना, जब तन संधेगा तभी मन बंधेगा, तन सधेगा तभी मन बंधेगा, और मन बंधेगा तभी मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए तन को साधो और मन को बांधो। तो तन को साधने के लिए योग आदि की क्रियाएं करनी चाहिए, और इसका एक अच्छा प्रयोग भावना योग के रूप में है। भावना योग तो विशुद्ध सामायिक है, उसमें किसी योगिक क्रिया की भी जरूरत नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा है। मैं तो कहता हूँ बैठकर ऊँघने वाली सामायिक की जगह चेतना को जगाने वाली भावना योग करना शुरू करो, कर्म की निद्रा भी होगी और जीवन भी बदलेगा। एक पूजा कम कर लो, और योगासन के संदर्भ में गुरुदेव कहा करते थे आसन का भाव आसन है, आसन यानी भोजन। अगर शब्द शास्त्र की दृष्टि से कहें तो आसनस्य भावम आसनम, आसन भोजन किया है तो आसन भी करो, ताकि हमारी शारीरिक प्रक्रिया ठीक बनी रहे, वो करना चाहिए। नहीं तो लोग फिर बीमार पड़ते हैं तो कहीं के नहीं रहते हैं, उनकी स्थिति भयानक हो जाती है। हर व्यक्ति के हृदय में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। जब तक तन मन स्वस्थ न हो तब तक चेतना प्रशस्त नहीं हो सकती। इसलिए पहला सुख निरोगी काया की उक्ति को ध्यान में रखते हुए अपनी काया को निरोगी बनाए रखने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए।